बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वसंत भाग एक हिंदी की पुस्तक का पांचवा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा हुआ यह पाठ, इसमें हमें अक्षरों के बारे में जानने को मिलेगा। और इसमें जो है, हमारे आसपास जो पुस्तकों का संसार है, वह अक्षरों से बना है। संसार में अब तक करोड़ों की संख्या में पुस्तकें छप चुकी हैं और हजारों हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र रोज छपते हैं। इसके अलावा हजारों की संख्याओं में पत्र पत्रिकाएं भी छपती हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। आप कल्पना नहीं कर सकते कि यदि मानव को अक्षर ज्ञान न होता तो आज दुनिया का क्या हाल होता, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। अक्षर के संबंध में लोगों का अलग-अलग मत रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। यह पुराने जमाने के लोगों का विचार था, लेकिन आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं, बल्कि आदमी ने स्वयं की है। लेकिन आज हम तो यह भी जानते हैं कि किन-किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो ये अक्षरों का महत्व पाठ है, और इसमें जो बताया गया है, वो बताया गया है कि हमारी पृथ्वी लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक पृथ्वी पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही राज्य रहा। मानव ने इस पृथ्वी पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, उनका विकास हुआ। प्रागैतिहासिक मानव ने पशुओं, पक्षियों और आदमियों के चित्रों द्वारा अपने मन के भाव व्यक्त किए। उसके बाद इंसानों ने कोई 10,000 साल पहले गांव को बसाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वह खेती करने लगा। तब वह पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। इंसान अपने चित्रों के द्वारा मन के भाव को व्यक्त करने लगा, जैसे वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था, और बाद में वह ताप या धूप का प्रतीक बन गया। इस तरह चित्र संकेत से भाव संकेत बने और नए युग की शुरुआत हुई। इसके काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, यानी आज से 6,000 साल पहले हुई अक्षरों की खोज के साथ नए युग का आरंभ हुआ और लोग अपने अपने हिसाब रखने लगे। तब से इंसान सभ्य कहा जाने लगा, और जब मानव ने लिखना आरंभ किया तभी से इतिहास का प्रारंभ हुआ। इससे पहले के समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और यदि अक्षरों की खोज न हुई होती तो हम इतिहास को नहीं जान पाते, और हम यह भी नहीं जान पाते कि हजारों साल तक इंसान ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, मानव क्या क्या सोचता था और उसने क्या क्या कार्य किए। अतः अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। वह अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षर की खोज से मानव सभ्यता का तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी लिपियों का। तो आज हम लोग ये पाठ पढ़ेंगे, जिसमें ये सारे वर्णन दिए हुए हैं, और हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह से लेखक ने, गुणाकर मूल्य ने, इसका जो है वर्णन किया है, अक्षरों के महत्व को बताया है। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले अनुच्छेद से, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। ये सभी लोग जानते हैं कि ये पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो सब अक्षर हैं। तो यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। जो वसंत भाग एक हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पांचवा पाठ, ये जो किताब है ये भी अक्षरों से बनी है।
सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तादाद कहते हैं संख्या को, यहाँ पर तादाद शब्द आया है, तादाद मतलब संख्या, करोड़ों की तादाद में अर्थात करोड़ों की संख्या में समाचार पत्र छपते हैं और पुस्तकें छपती हैं। करोड़ों हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो यहाँ पर कल्पना करना यानी कि अनुमान लगाना, तो इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि अगर मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं करता तो इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि ये अक्षर जो है इसका ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है, ईश्वर ने हमें ये ज्ञान दिया है, और अनादि का मतलब होता है जो सदा से चलता आ रहा हो, अनादि। अनादि का अर्थ है जो हमेशा जो है, जो सदा से या हमेशा से चलता आ रहा हो, अनादि इसे कहते हैं, जो सदा से चलता आ रहा हो, हमेशा से चलता आ रहा हो। तो अगर कोई कहे कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं तो अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, तो पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। इतने ज़्यादा शोध कार्य हुए हैं, इतने जो विद्वान हुए हैं वो सब जो है वो अक्षरों के बारे में शोध कार्य किए हैं, उन्होंने जो है खोजबीन की है, और उसके आधार पर वो हर एक भाषाओं का जो है रूपरेखा देखकर और भाषाओं में उसका प्रयोग देखकर वो जो है इस बात की खोज किए हैं कि किस भाषा में कौन से शब्द का प्रयोग कब हुआ है। तो हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है, ये धरती हमारी बहुत पुरानी है, और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, यानी कि 2-3 अरब साल तक, यानी कि 5 अरब साल तो पुरानी ही है, और उसमें 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। अगर हम विज्ञान को देखें तो विज्ञान के अनुसार जो है बहुत धीरे धीरे जो है मनुष्य का यहाँ पर जन्म हुआ, और मनुष्य ने बहुत धीरे धीरे विकास किया, और तब जाकर कहीं जो है उसने अक्षरों का प्रयोग करना शुरू किया। तो फिर करोड़ों साल तक यहाँ पे 2-3 अरब साल तक तो केवल धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु ही नहीं थे, फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। तो छोटे प्राणियों, छोटे जीवों से जो है धीरे धीरे वनस्पतियों का, यहाँ पे वनस्पति और फिर प्राणी आए और जानवर आए, तो इस तरह से पेड़ पौधे, वनस्पतियों का अर्थ होता है पेड़ पौधे, वनस्पति कहते हैं पेड़ पौधे। वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधे, और
इसका इस धरती पर राज्य रहा, यानी कि पहले वनस्पतियाँ आईं और आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो धीरे धीरे उसे धातुओं का ज्ञान हुआ, जिसे मेटल कहते हैं। तो उसका जब ज्ञान हुआ तो उसने उससे भी औजार बनाए। और यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, शिकार का दृश्य इसमें दिखाया गया है, जो ऊपर चित्र है मध्य भारत का। और इसमें जो है ये इस चित्र में ये दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर अपना शिकार करने के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं शस्त्र का, उसको मारने के लिए। और तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक मानव, इसको इतिहास में वर्णित काल के वर्णित मतलब जिसका वर्णन मिलता है, वर्णित काल के पहले का मानव। तो यहाँ पर ये कहा गया है प्राग ऐतिहासिक, यानी कि इतिहास से पहले, प्राग धन इतिहास, प्राग ऐतिहास होता है, प्राग धन इतिहास। तो इतिहास में जो हमें वर्णन मिलता है, जिन मनुष्यों का जो वर्णन मिलता है मानव का, उससे पहले के जो मनुष्य थे उसके पहले के मानव को प्राग ऐतिहासिक मानव कहा जाता है। तो इतिहास में वर्णित काल के पहले का मानव, यानी कि हमें इतिहास में जिसका वर्णन मिलता है उसके पहले, जिसका वर्णन नहीं मिलता है उस काल के मानव को प्राग ऐतिहासिक मानव कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कहा गया कि प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए यानी कि चित्र बनाकर, तरह तरह का चित्र बनाकर उसने जो है अपने भाव व्यक्त किए। वो जो कहना चाहता था उसे केवल चित्र बनाता था, उसके पास कोई अक्षर नहीं थे। जैसे पशुओं पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसा कि चित्र में भी दिया हुआ है कि जानवर के लिए जो है इस तरह से रेखाओं का प्रयोग किया गया है, और मनुष्य के लिए भी प्रयोग किया गया है। जानवर के लिए 4 पैर दिखाए गए हैं और मनुष्य के लिए 2 पैर दिखाए गए हैं। तो इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेत कहने से मतलब है कि उसमें जो है जो मन के भाव होते थे उनको संकेतों के माध्यम से दिखाना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो, और पीढ़ी यहाँ पे जो है विकास करना, यानी कि प्रगति करना। तो इस तरह से यहाँ पर चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत यहाँ पर आए, अस्तित्व में आए, यानी कि पहचान में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। तो जैसे वृत्त का चित्र, वृत्त जो है ये गोले को बोलते हैं, ऐसे जो ये गोला होता है, तो ये गोला जो है ये इसके चारों ओर, ये वृत्त हो गया, गोला हो गया, और इसके चहुं ओर, चहुं का अर्थ होता है चारों, चहुं ओर का अर्थ होता है चारों ओर,
चहु ओर का अर्थ होता है चारों ओर। तो यहाँ पे जब इसके चारों ओर लिखा है कि किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर, किरणों के को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह का जो है रेखा खींचते हैं, तो ऐसे जो है जो रेखा खींचने से, किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने से यहाँ पर जो है सूर्य का चित्र बन जाता था। तो ये जो है सूर्य का चित्र बन गया। तो इस तरह से वृत्त यानी कि गोले के चारों ओर रेखाएं खींचने से वो सूर्य का द्योतक बन जाता था, सूर्य का चित्र बन जाता था, और बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, और इसी तरह से और भी जो है उन्होंने चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। तो यहाँ पे सिलसिला कहते हैं चलन, सिलसिले सिलसिले यानी कि चलन, जो उस समय का भाव संकेत को व्यक्त करने का साधन था। तो ये चलन जो है, अक्षरों की खोज का जो चलन है, जो सिलसिला है, इसको शुरू हुए यानी कि लगातार उसके बारे में जो है शुरू हो गया था खोज, कि उसे किस तरह से उसके बारे में प्रयत्न करना लोग शुरू कर दिए थे। और इस सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं, केवल 6,000 साल। अब यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं, और इसको हम लोग देखेंगे, सभी लोग अपनी पुस्तक में देखेंगे कि मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र हैं ये। दाई ओर से बाई ओर को क्रमशः देखना है, तो पहले यहाँ पर राइट साइड का चित्र देखना है। तूफान का देवता यहाँ पे बताया गया है, इसको तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। तो यहाँ पे जो है फिर है नगाड़ा, और पंखों से सुशोभित नगाड़ा, और द्रोण काक, कौवा, और दवाखाने में आदमी। तो दवाखाने में आदमी है और द्रोण काक है, और यहाँ पर नगाड़ा नगाड़ा बना हुआ है। तो ये सब जो है उस समय जो प्रयोग किए जाते थे उन्हीं का यहाँ पे जो है चित्र में वर्णन किया गया है, चित्र में दिखाया गया है। और अब हम लोग अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तो उस समय तो अक्षर शुरू हुए थे, उनकी शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने लिखकर जो है अपने हिसाब किताब, जो भी वो व्यवसाय करते थे, जो भी काम करते थे, उसका हिसाब किताब वो लिखकर रखने लगे। और धीरे धीरे आज आधुनिक समय में ये स्थिति है कि लोग जो है अब कंप्यूटर के माध्यम से अपने जो है सारे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसमें सेव रखते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। तो आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव जो है सभ्य कहा जाने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। और आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। और जब मनुष्य ने लिखना शुरू किया, जबकि उसे अक्षरों का ज्ञान हुआ और उसने लिखना शुरू किया, तब से जो है मनुष्य सभ्य कहलाने लगा, आदमी सभ्य कहलाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, और इतिहास तभी से माना जाता है जो लिखित रूप में प्राप्त होता है, तो तभी से इतिहास का आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो जब मनुष्य के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं, उनकी लिखी हुई चीज़ें मिलने लगती हैं, तब से वहाँ का इतिहास शुरू हो जाता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए
मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक यानी इतिहास में वर्णित काल से पहले का काल प्रागैतिहासिक कहलाता है। तो इसमें जो है प्रागैतिहासिक काल को जो है जब से इतिहास लिख कर मिलता है, जब से लेखन कार्य शुरू हुआ है, उसके पहले का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य को जो है प्रागैतिहासिक मानव कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया था कि इतिहास में वर्णित काल के पहले का मानव। तो जब से लिख कर इतिहास मिलने लगा है, उसके पहले के मानव और पहले के समय को प्रागैतिहासिक मानव या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता, तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें हमें पता करने के लिए लिखित सामग्री का होना ज़रूरी है। और जब तक कोई ग्रंथ या साहित्य या कोई लेख नहीं मिलता, तो हमें उसके बारे में जानना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जो ज्ञान आज प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके बारे में लिखित रूप में जो है जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे कि अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये ज्ञान बढ़ता गया, लोगों को मिलता गया और उन्होंने लिख कर चीज़ों को रखना शुरू कर दिया। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। तो अक्षरों की खोज जब हुई और मनुष्य जब लिख कर अपने विचारों को रखने लगा, तब उसके ज्ञान में बहुत विकास हुआ। और तभी जो है पिछले 6,000 सालों में मानव का तेजी से विकास हुआ, उसने विभिन्न विषयों में जानकारी प्राप्त की, खोज की और उसके बारे में लिखा। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। तो हमें इस पाठ से ये जानकारी मिलती है कि किस तरह से पहले संकेत चिन्ह सामने आए, उसके बाद फिर चित्रों के माध्यम से जो है दिखाया जाने लगा और फिर अक्षर जो है आए। तो हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं और इसकी अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है और पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर अनेक लिपियों का आविष्कार हुआ और इस तरह से जो है भाषा को, अक्षरों को जो है व्याकरण के द्वारा व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। उसके द्वारा जो है भाषा को व्यवस्थित बनाया गया और उसे नियमों में बांधा गया, ताकि हम अक्षरों का जो है सही प्रयोग कर सकें और अक्षरों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनका एक निश्चित अर्थ हो और ऐसे जो सार्थक शब्द हैं वही जो है शब्द कहलाते हैं और उन्हीं शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। तो वाक्यों का सही सही अर्थ निकले और जो व्यक्ति कहना चाहता है, उसके जो भाव हैं या जो विचार हैं, वो जो है यहाँ पर व्यक्ति उसको समझ पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि उसे उसका उच्चारण सही ढंग से हो और उसे सही अंतराल पर बोला जाए और तभी वाक्य का अर्थ निकल सकता है। तो इस पाठ में जो है हम लोगों ने देखा कि किस तरह से
संकेतों के माध्यम से और किस तरह से जो है चित्रों के माध्यम से और फिर बाद में अक्षरों का जो है प्रयोग हुआ और इस तरह से यहाँ पर अक्षरों की खोज की गई। यहाँ पर अस्तित्व का अर्थ होता है कायम होना, अस्तित्व कहते हैं कायम होने को। अस्तित्व अस्तित्व पहचान होता है। यहाँ पे अस्तित्व जो है वो पहचान है। और वृत्त गोला को कहते हैं। वृत्त गोला को कहा जाता है, जो कि सर्कल बनता है उसे वृत्त कहा जाता है। तो इस तरह से जो है और कौम, यहाँ पे कौम जो है वो जाति को कहा गया है। कौम का प्रयोग जो है वो जाति के लिए किया गया है। और इस पाठ में और भी बहुत सारे शब्द आए हैं, जैसे कि अनादिकाल। अनादिकाल जिसका कि आरंभ ना हो, अनादि का मतलब जो सदा से चलता आ रहा हो उसका कोई आरंभ ना हो, तो वो अनादि हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन और कल्पना कहते हैं मन की उपज को, और अनुमान जिसे कहते हैं, कल्पना मतलब मन की कल्पना यानी कि अनुमान। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न भी, अभ्यास प्रश्न भी पूछे गए हैं, और जिसमें कि पहला प्रश्न पूछा गया है कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो पाठ में ऐसा वर्णन क्यों आया है? तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा था और वह सभ्य कहा जाने लगा था। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे और इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि इससे पहले मनुष्य जो है वो अक्षरों को नहीं जानता था और वो चित्रों और संकेतों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता था। तो अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। और अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? तो अक्षरों की खोज का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ लगभग 6,000 वर्ष पहले। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों और आदमियों के चित्र, और बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। तो भाव संकेत जब व्यक्त किए जाने लगे चित्रों के द्वारा, तो उसके बाद फिर अक्षरों का खोज हुआ। और एक प्रश्न और इसमें आया है कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को मनुष्य जो है अब अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। तो इस तरह से जो है वो भाव संकेत जो है चित्रों के माध्यम से जो है भावों को व्यक्त किया जाता था। तो अब है कि अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। तो अक्षरों
द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं, जबकि ध्वनि द्वारा बोलकर। तो अक्षरों को जो है लिखने का, और यहाँ पर बोलकर, ध्वनि को बोलकर करते हैं। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि है, पहले ध्वनि पैदा हुई उसके बाद अक्षर। ध्वनि के बल पर ही अनपढ़ व्यक्ति भी विचार विनिमय कर लेता है, यानी कि वो भी अपने विचारों को व्यक्त कर लेता है और अपने विचार दूसरों तक पहुंचा लेता है, दूसरे के विचार सुन सकता है। तो बच्चों, आज हम लोग ये पाठ 5 पढ़े, अक्षरों का महत्व, और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।